हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इसकी सिलाई। जो कार्डिगन हमने स्टार्ट किया है, आज इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे वो आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने इस कार्डिगन की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसकी मैंने पार्ट टू पार्ट अपलोड कर दी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसकी सिलाई करना बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम इसको पहले उल्टा करेंगे। ऐसे हमने तो पहले शोल्डर ज्वाइन कर ली थी, तो इस तरह से हम इसको बस इस तरह से उल्टा कर देंगे और दोनों साइड से देखिए बिल्कुल बॉर्डर से लेके मुद्दे तक एक सिलाई हम लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से ये देखिए सीधी तरफ हमारे अंदर की तरफ रहेगी। ये जो सीधी साइड है ये बिल्कुल अंदर की तरफ, और ये जो उल्टी साइड है ये बाहर की तरफ। और ये जो फंदे हमने डाले थे जब हमने बॉर्डर स्टार्ट किया था स्वेटर बनाना, तब हमने फंदे डाले थे, तो इसमें धागा थोड़ा सा बाकी बचा है। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, इस तरह से पहले इसको खोलेंगे। ये 3-ply ऊन है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अगर आपकी वर्धमान की ऊन है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। तो हम पहले इसको यहाँ पर कट करेंगे, उसके बाद इस धागे को सुई में डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस धागे को यहाँ पर कट कर दी है और सुई में इस तरह से धागे को डाल ली है। अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इनको हम बाद में सुई की मदद से, क्रोशिया की मदद से अंदर की तरफ डाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस दोनों कॉर्नर को इस तरह से मिलाएंगे, बॉर्डर की जो दोनों कॉर्नर है इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने किए है। जब हमने यहाँ पर फंदे उतारे थे स्वेटर की बिनाई करते टाइम, तो इस तरह से फली जैसी आई है। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल आसानी होगी इससे सिलाई करने में, क्योंकि ये बिल्कुल दिख रहा है। तो हम एक एक करके इस तरह से लेंगे और इसके अंदर डालेंगे सुई को और इस तरह से गांठ लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल सिलाई है, आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना होगा। ये देखिए इस तरह से फिर से इसमें से एक धागा लेंगे ऐसे, और इसमें से लेंगे ऐसे करके, और इस तरह से हम कर लेंगे। ये देखिए ये जो सिलाई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। तो इस तरह से करते हुए मैं इस साइड को सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक इनको सिलाई कर ली है इस तरह से, और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इस तरह से हम अंदर इसको ले जाएंगे और इसको कट कर देंगे यहीं पर। देखिए इस तरह से हमारी सिलाई हो गई है। अब आ जाइए इस तरफ से, यहाँ पर भी हमें वैसे ही सिलाई करनी है। तो इसको भी मैं यहाँ से धागे को कट कर दूँगी और सुई में डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद मैं स्लीव सिलना बताती हूँ। तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस साइड भी सिलाई कर ली है। देखिए दोनों साइड मेरी सिल के ये रेडी हो गई है। इसको हम सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इस तरह से ये सिल के रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव की सिलाई करेंगे। ये जो स्लीव हमने बना के रखे हैं इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। सिलाई वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको स्वेटर में बताई है, कार्डिगन में वैसे ही। बस एक यहाँ से लेके आपको यहाँ तक इसकी सिलाई लगानी है। तो अगर आपके पास यहाँ पर धागा है तो आप इसको सुई में डाल लीजिए
ये जो धागा है इसको आप सुई में डाल सकते हैं। लास्ट हमने जहाँ पर फंदे उतारना, लास्ट यहाँ पर जहाँ पर हमने उतारना बंद किया था वहाँ पर अगर आपका धागा है तो आप इसको सुई में डाल लीजिए। अगर आपके यहाँ पर धागा कम है तो आप यहाँ से जो है दूसरा धागा लगा के इस यहाँ से ये जो बॉर्डर है यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर सकती है। सबसे पहले मैं इस धागे को सुई में डाल लेती हूँ। और मैं यहाँ से आपको सिलाई स्टार्ट करके बताती हूँ। तो देखिए ये जो धागा है ये हमारा ऊपर है और सिलाई हमें ये इस कॉर्नर से जो है स्टार्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सिलाई का ये जो धागा है सुई का, इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ से हल्के हाथों से बिल्कुल किनारे से इसको लेते हुए लास्ट तक यहाँ तक ले आएंगे। तो देखिए इस तरह से, और इसको थोड़ा सा खींच देंगे ताकि ये बराबर शेप में आ जाए। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, सीधी साइड जो है अंदर की तरफ होनी चाहिए और उल्टी साइड जो है बाहर की तरफ। और यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है, जो कॉर्नर है यहाँ से हमें सिलाई को इस तरह से पकड़ के स्टार्ट करनी है। तो देखिए इस तरह से मैं सिलाई कर लेती हूँ। दोनों स्लिप सेम आपको वैसे ही सिलाई करनी है, अलग तरीके से इस तरह से अलग अलग करके दोनों स्लिप हम सिलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्लिप इस तरह से सिलाई कर ली है, अलग अलग करके इनको इस तरह से सिलाई की है। अब मैं इसको सीधा करूँगी इस तरह से। पहले इसको सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए इस तरह से इनको सीधा करना है और थोड़ा सा ऐसे हम इसको कर देंगे। अब ये जो कार्डिगन है इनको हम उल्टा करेंगे इसे इस तरह से। सिलाई करते टाइम हमें उल्टी तरफ से सिलाई करनी है, तो इसको हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और एक स्लिप यहाँ से लेंगे। और देखिए इस तरह से ये जो स्लिप है बिल्कुल अंदर डाल लेंगे। ये जो मैंने मुद्दे के लिए फंदे यहाँ पर रखे थे यहाँ पर इसके अंदर इसको रखेंगे। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्लीव है ये सीधा होना चाहिए और कार्डिगन हमारा उल्टा होना चाहिए। इस तरह से रखेंगे। और ये जो हमने सिलाई की है ये आप देख सकते हो, साइडों से जो स्लीव की सिलाई की है इससे हम यहाँ पर ये जो कार्डिगन में हमने साइड से सिलाई की है इसके बराबर इस तरह से रखेंगे और इसको ऐसे करेंगे। ये आप देख सकते हो इस तरह से, और गुलाई में इसको सिलाई करेंगे। इसमें देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ पर हमें एक धागा अटैच करनी है सुई के साथ, तो इसको मैं यहाँ पर अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से सुई में धागा डाल लीजिए और ये जो हमने सिलाई किया है इससे और इससे इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे ऐसे करके, और यहाँ से सुई इस तरह से डाल के यहाँ पर एक गांठ लगा लेंगे। इसको दो बार हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे ताकि ये ना खुले। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी सिलाई कर ली है इस तरह से। इस तरह से जब हम सिलाई करते हैं ना, तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है, आपको बिल्कुल भी गांठ नहीं लगेगी। कुछ सिलाई ऐसी होती है जिसमें गांठ गांठ होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी गांठ नहीं है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर इसका जो है जॉइंट कर लिया है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसकी सिलाई हुई है, मैं आपको सीधा करके इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए स्लीव मैंने इसमें अटैच कर ली है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर दूसरा स्लीव लूँगी और इसमें डाल दूँगी, और इसके भी मैं सेम वैसे ही सिलाई करूँगी जैसे मैंने उस साइड की है। ये जो सिलाई है आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, ये जो सिलाई है इसके साथ इसको मिला के रखना है। देखिए इसके साथ इसको इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे ताकि सिलाई सही से आ जाए। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है इस तरह से। और इसको भी मैं इस तरह से गुलाई में सिल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अटैच कर ली है और यहाँ से मैं अब इस तरह से सिलाई करते हुए इसकी कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, दोनों तरफ से इस तरह से स्लीव अटैच कर दी है। मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। देखिए इस तरह से इसकी लुक आई है। मैं आपको नाप के भी बता देती हूँ इसकी कितनी टोटल लंबाई है और चौड़ाई कितनी है और स्लीव की लंबाई कितनी है। तो पहले हम कार्डिगन को इस तरह रखेंगे और देखिए इंची टेप लेंगे और इस तरह से हम इसको नापेंगे। शोल्डर से लेके ये देखिए बॉर्डर तक की जो लेंथ है 19 इंच है, और इसकी चौड़ाई जो है ये देखिए 12 इंच इसकी चौड़ाई है। तो आप अपने बच्चे के हेल्थ के अनुसार इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं लेंथ और चौड़ाई। और देखिए इसकी स्लीव जो है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। इस तरह से हम रखेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, जब बिनाई करते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। देखिए स्लीव की टोटल लेंथ 16 इंच है। तो देखिए मैंने आपको इसको नाप के भी बता दी है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए इस तरह से, और इसकी बैक साइड ऐसे। देखिए कार्डिगन बनके बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।